नमस्कार, विद्युनी समाचार में आपका स्वागत है। छब्बीस सालों में सुरक्षा के नाम पर 7,000 करोड़ खर्च हुए कश्मीर में। धरती के स्वरूप कश्मीर में पाक समर्थक आतंकवाद भारतीय सरकार के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। प्रतिदिन इस मद पर होने वाले खर्च में बेतहाशा होती वृद्धि ने सुरक्षा संबंधी खर्चों को 400 करोड़ प्रतिवर्ष के आंकड़े तक पहुंचा दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पिछले 26 सालों में सुरक्षा के मद पर केंद्र ने कश्मीर को 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसमें सुरक्षा कर्मियों का वेतन, गोला बारूद आदि खर्चा अभी शामिल ही नहीं है। आतंकवाद की शुरुआत में आतंकवाद से निपटने के लिए होने वाला सुरक्षा संबंधी खर्च 100 करोड़ के आंकड़े तक ही सीमित था। यह भी एक चौंकाने वाला तथ्य हो सकता है कि कुछ साल पूर्व तक राज्य सरकार सुरक्षा संबंधी मद पर प्रतिवर्ष 253 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही थी, लेकिन अब अनुमान 500 करोड़ खर्च होने का है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जो खर्चा राज्य सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा मद पर किया जा रहा है, उसमें सुरक्षा उपलब्ध करवाने, सुरक्षा बलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने तथा राहत राशि आवंटित करने के मद पर ही हो रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों के वेतनों तथा गोला बारूद पर होने वाले अन्य सभी खर्चों को भी जोड़ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में फैला आतंकवाद हजारों करोड़ की राशि प्रतिवर्ष डकार रहा है। राज्य सरकार द्वारा खर्च की जा रही धनराशि, जिसका केंद्र सरकार द्वारा भुगतान भी किया जा रहा है, इसमें कुछ ऐसे खर्च अभी तक नहीं जोड़े गए हैं जिनके बारे में राज्य सरकार का कहना है कि वे भी सुरक्षा संबंधी खर्चे हैं, क्योंकि वे आतंकवाद के कारण हो रहे हैं। ऐसे खर्चों में कश्मीर से पलायन कर देश के अन्य भागों में रहने वाले कश्मीरी पंडित, विस्थापित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन, उनके स्थान पर जिन युवकों को नियुक्त किया गया है उनका वेतन तथा आतंकवाद के कारण ठप पड़े हुए सरकारी निगमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले धन को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, जिन पर प्रतिवर्ष 200 करोड़ की धनराशि खर्च हो रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार चाहती है कि सुरक्षा संबंधी मामलों पर होने वाले उन खर्चों की भरपाई भी केंद्र सरकार करे जिन्हें अभी तक सुरक्षा संबंधी खर्चों में शामिल नहीं किया गया है। यदि ऐसा हो जाता है तो राज्य में सुरक्षा संबंधी मामलों पर होने वाले खर्चे में लगभग 300 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। चप्पलबाज शिवसेना सांसद गायकवाड़ को एयर इंडिया का बड़ा झटका, रद्द किया टिकट। आयकर विभाग ने काले धन वालों को चेतावनी देते हुए कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, गैंगरेप पीड़िता से की मुलाकात। वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी सरकार। अलग अंदाज में दिखे डोनाल्ड ट्रंप, ट्रक उद्योग के प्रतिनिधियों के स्वागत में ट्रक में चढ़कर बजाया हॉर्न। ये तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।